क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएस इंटेंस। तो स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम करेंगे नेवरलैक इम्प्रेशन एचडी में टेक्सचर, और वो आपको दिखाएंगे कैसे होता है और किस डिजाइन का टेक्सचर है। और जो भी भाई अपने चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो लास्ट तक देखना और इंजॉय करना। तो अब करने जा रहे हैं नेवरलैक इम्प्रेशन एचडी में टेक्सचर। और जो ये टेक्सचर का जो फॉर्मूला है वो है कि सबसे पहले इसकी जो अपना दीवार होती है इसकी सेंटिंग करके इसके ऊपर नेवरलैक इम्प्रेशन एचडी के अंदर जो भी मान लो आपको लाइट बेस लेना है वो लाइट बेस लेके इसके ऊपर 2 से 3 कोट लगेंगे, जिससे नीचे का बेस वो बिल्कुल अच्छा हो जाए और उसमें शाइन भी आए और बेस की मजबूती बनी रहे। तो उसके बाद अगर वो बेस लग गया आपका, लाइट बेस लग गया, उसके बाद आपका लगेगा नेवरलैक इम्प्रेशन का ही सिल्वर मेटैलिक। ये नेवरलैक में आता है, बहुत क्वालिटी आती है इसके अंदर, उसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे भी क्या होता है। तो अब ये लग रहा है नेवरलैक इम्प्रेशन का सिल्वर मेटैलिक। और इसके अंदर जैसे अभी ये कर रहे हैं तो इसके अंदर अभी ये इसका डार्क बेस मार रहे हैं, तो अगर ये जल्दी ना सूखे तो इसके अंदर पड़ता है मैजिक कोट। मैजिक कोट इसके अंदर डलता है जिससे जो कि बेस होता है जिसके ऊपर हमें टेक्सचर बनाना है वो जल्दी से सूखता नहीं है और उसमें वो मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है। अब जो जैसे भाई कर रहे हैं अभी इन्होंने मारा था नेरोलैक का सिंपल नेरोलैक का लाइट बेस और उसके ऊपर मारा है नेरोलैक, उसके ऊपर मारा है नेरोलैक का सिल्वर मेटैलिक BSC मिक्स करके उसको ना ये मैजिक कोट मिक्स करके। तो मैजिक कोट मिक्स करके इसके अंदर जैसे अभी इन्होंने ऊपर तो फाइनल कर दिया तो अभी ये नीचे भी फाइनल करके सारा फिर इसके ऊपर करेंगे टेक्चर। अब ये मार रहे हैं नेरोलैक इम्प्रेशन का सिल्वर मेटैलिक मैजिक कोट डाल के। तो अभी इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं फिर दिखाते हैं आपको कि टेक्चर कैसे निकलता है। तो ये अभी कंप्लीट हो चुका है, मतलब लगभग जो बेस था डार्क मेटल वो सिल्वर मेटैलिक का वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद जो अब ये भाई डिज़ाइन निकाल रहे हैं इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा तब जाके दिखेगा। इसमें जो ये भाई रोलर ले रहे हैं इसमें ये रोलर, इस रोलर को बोलते हैं रैगिंग रोलर। इसमें ये 2-3 प्रकार जो आप डिज़ाइन बनाना चाहो इससे वो डिज़ाइन बन जाएगा, चाहे उसमें स्लाइड में ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल। तो अभी इसमें हम डिज़ाइन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों डिज़ाइन ले रहे हैं। तो इसके रैगिंग रोलर का ये फ़ायदा है हम डिज़ाइन कोई भी ले सकते हैं, उसके उसके अंदर डिज़ाइन उभर के आएगा। और जो ये हमने बेस मारा था मेटैलिक सिल्वर का इसमें हमें इस रैगिंग रोलर को 2 से 3 बार घुमाना पड़ेगा तब जाके जो नीचे का हमने लाइट बेस मारा था सिंपल इसका नेवरलैक का मेटैलिक का नहीं जो सिंपल मारा तब जाके उस वो उभर के आएगा हमारे पास हमारे दिखने को। तब ये रैगिंग रोलर लगा रहे हैं और देख रहे हैं अभी कैसा आया कैसा नहीं। तो अभी थोड़ा लाइट था, इसके बाद एक बार और करेंगे इसको। अभी इन्होंने मारा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब दोबारा मारेंगे इसको साइड से करके जो उस साइड की रह रही थी उसके बाद इसको करेंगे कंप्लीट। जो ये
टेक्चर डिज़ाइन है रैगिंग रोलर का, ये सबसे आसान और सबसे सिंपल डिज़ाइन है। आप इसको विदाउट किसी पेंटर की मदद से आप इसको खुद भी कर सकते हो, बस आपको नीचे का बेस बनाना आना चाहिए। अगर आपका नीचे का बेस अच्छा बनाना आ गया आपको, तो आप ये रैगिंग रोलर को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और ये बिल्कुल आसान होता है रैगिंग रोलर को यूज़ करना। और आप पूछोगे कि ये साफ़ क्यों कर रहा है रोलर को जब एक बार लगा दिया। ये साफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ये बेस होता है ये होता है बिल्कुल चिकना, स्मूथ होता है बिल्कुल चिकना, इसलिए रोलर फिसलता है, ये साफ़ करना पड़ता है तो फिर अच्छे से जम के चलता है दीवार पे। अभी देखो, पहले मार दा हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, अब फिर हॉरिजॉन्टल मार रहे हैं इसको। हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। इसको एक दीवार पे 2 से 3 बार साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ये जो बेस होता है ये बहुत ज़्यादा चिकन होता है, इसलिए इसको साफ़ करना पड़ता है ताकि ये रोलर है जो वो फिसले ना और डिज़ाइन आपका ख़राब ना हो। और जो ये टेक्चर बनता है दीवारों पे, ये बनता है जो भी आपकी कंपनियां जैसे एशियन होगी, नेरलैक होगी, बर्जर होगी या डूलक्स होगी, जो इसका इंटीरियर में टॉप कोट आता है, जैसे नेरलैक में आता है इंप्रेशन, एशियन डूलक्स और बर्जर में भी आता है टॉप कोट, उसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा ये, क्योंकि टेक्चर तब अच्छा लगेगा जब ये शाइन करेगा। अब जैसे भी इसके जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये शाइन करेगा और तभी ये अच्छा लगेगा, तभी ये उभर के आएगा। अगर हम जो बिल्कुल लो बेस है अगर हम वो मार देते हैं इसके ऊपर तो ये इतना उभर के नहीं आएगा और ना इसके अंदर शाइन होगी, मैट फिनिश में आएगा तो ये इतना अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए जो भी टेक्चर होता है, चाहे कोई भी टेक्चर हो, रैगिंग हो और इसका डैफल पेपर को हो, और काफ़ी सारे डिज़ाइन है इसके अंदर नेरलैक में ही ना इसमें टेक्चर में ही, तो जितने भी डिज़ाइन है टेक्चर वो सभी टॉप कोट के ऊपर लगते हैं ताकि जो शाइन है अपनी दीवार की, जिससे टेक्चर की ग्रेस आती है तो वो अच्छे से दिखाई दे। जब भी इसके ऊपर लाइट पड़े तो वो अच्छे से शाइन मारे, इसलिए इसमें यूज़ करते हैं ये कोई भी टॉप कोट, कोई भी कंपनी का टॉप कोट। अब मैंने लगवाया था इंप्रेशन का HD और उसके ऊपर पहले इंप्रेशन HD का बेस कोट लगा था लाइट कलर में, और उसके ऊपर लगा जो ये ऑरेंज देख रहे हो आप, इसके ऊपर ये ऑरेंज वाला है इंप्रेशन मेटालिक सिल्वर या सिल्वर मेटालिक, और इसके अंदर हमने मिक्स किया था मैजिक कोट जिससे कि ये जो है वो जल्दी सूखे ना। मैजिक कोट इसलिए डालते हैं पेंट के अंदर ताकि जो ये इसका बेस है ये जल्दी सूखे ना और टेक्चर अच्छी तरह से निकल जाए, इसलिए इसके अंदर मैजिक कोट डालते हैं, मिक्स करते हैं, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। वो पेंटर को ही पता होता है भी कितने लीटर पेंट में कितना मैजिक कोट पड़ेगा जिससे उसकी जो है ग्रेस वो अच्छी बनी रहे और जल्दी सूखे ना। अगर हम 1 लीटर पेंट में 1 लीटर मैजिक कोट ऐड कर देंगे तो उसमें आपकी दीवार 2 दिन सूखेगी नहीं, पहली बात तो वो ऐड ही नहीं होगा उसके अंदर,
वो पेंट आपका सारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर पेंटर अपने हिसाब से, उनको पता होता है भी क्या करना है, अपने हिसाब से इसके अंदर वो मैजिक कोट ऐड करते हैं। और कई पेंटर ऐसे भी है, हमने देखे हैं, जो डायरेक्ट लगा देते हैं, मैजिक कोट डालते नहीं उसमें। तो उसके अंदर अब ये जैसे एक बंदा लग रहा है, तो उसके अंदर हमको चाहिए दो से तीन बंदे, क्योंकि दो से तीन बंदे तो उसके अंदर चाहिए, क्योंकि जो सिंपल पेंट होता है वो जल्दी सूख जाता है अपना, आधे एक घंटे के अंदर इतना ही होता है इसका सूखने का टाइम। और बिल्कुल सूखना हो तो फिर 24 घंटे लगेंगे इसको सूखने में। इसलिए पेंटर है जो वो रिस्क नहीं लेते, वो इसके अंदर वो मैजिक कोट डालते हैं, जिससे उनका भी रिस्क ख़त्म हो जाए और पेंट जो ये है वे सूखे ना और इनका काम आसान हो जाए, इसलिए ये मैजिक कोट डालते हैं इसके अंदर। और कोई ज़रूरी भी नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहता भी आपको, आप अपने पेंटर को ही बोलो कि आप इसके अंदर मैजिक कोट डालो। कई जगह कई पेंटर यूज़ भी नहीं करते, मैंने आपको पहले भी कहा, क्यों इसलिए नहीं यूज़ करते, जो ये होता है ना मेटैलिक सिल्वर, ये मेटैलिक ही इसलिए होता है भी जल्दी ये सूखे ना, अदरवाइज ये तो वैसे दूसरे पेंट में ही बन जाएगा ना। तो बस ये अब कंप्लीट होने वाला है टेक्चर, इसको बोलते हैं रैगिंग रोलर टेक्चर। ये आप कोई भी पेंट में जो टॉप कोट होता है उसके आप बनवा सकते हो इसको अच्छे तरीके से। इसको रैगिंग रोलर डिज़ाइन बोलते हैं या रैगिंग टेक्चर बोलते हैं। ये आप किसी भी पेंट के अंदर बनवा सकते हो, होना चाहिए वो टॉप कोट, और जो आपका नीचे का बेस होना चाहिए वो भी अच्छे उसको होना चाहिए बेस का। तो इससे आपका जो इसके टेक्चर की लुक है, वो टेक्चर ग्रेस है, वो अच्छी तरह से आपको उभर के आएगी, अच्छी ग्रेस आएगी उसकी। तो बस अब ये कंप्लीट होने ही वाला है, थोड़ा बहुत रह गया है, आप इसको एंजॉय करो। और सभी भाई जाने से पहले चैनल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना। और मैं एक दिन अपने चैनल की स्टैट्स देख रहा था, तो यार जो मेरे स्टैट्स में आया है कि जो सिर्फ 2% लोगों ने जो सब्सक्राइब किया हुआ है वो देख रहे हैं, बाकी 98% लोग विदाउट सब्सक्राइब देख रहे हैं। यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। तो सभी जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर देना।